क्या हाल है बाबा। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे रहता है बैंगलोर में। तो बाबा मैं आपको ना यार पूरे अपने फ्लैट का टूर बताऊंगा, क्या रेंट है, कैसे हम लोग रहते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो चलो अपन लोग चलते हैं फटाक से। आ जाओ। बाबा जो अपना ये फ्लैट है वो बेसिकली 2 BHK फ्लैट है, और मज़े की बात ये है कि भाई साहब इन्हें अपनी कंपनी से सिर्फ 6 किलोमीटर्स दूरी है, और रेंट भी इतना प्यारा सा है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। तो बेसिकली जो इसका रेंट है वो यार अपन को 18,000 पड़ता है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, जो कि यार बैंगलोर में हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। हमें फ्लैट मिल ही नहीं रहा था, या तो कंपनी के पास में नहीं मिल रहा था, और यदि मिल रहा था तो 35,000-40,000 का मिल रहा था। तो ये है अपना फ्लैट भाई साहब, प्यारा सा सुंदर सा। अरे खोल भाई। तो ये है हमारी प्यारी सी लड़की। अब आप कुछ गलत समझो, उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ ये मेरी रियल बहन है, तो आप कुछ और मत समझना। और मैंने इसके साथ हम दोनों ने मिलके ये 2 BHK रेंट पे लिया है फ्लैट। अब आपको लग रहा होगा हम शायद भाई ट्विंस तो नहीं है, तो हम लोग ट्विंस ही नहीं है। बेसिकली हम दोनों की साथ में जॉब लगी है, इसने IIM से ग्रेजुएट करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, अपन भाई साहब इंजीनियरिंग करे थे D2 से, और फिर दोनों के साथ में बैंगलोर की जॉब लगी तो अपन ने ले लिया। और अब तू एक काम कर, बाजू हो जा थोड़ा। तो ये है बाबा अपना 2 BHK का H बोले तो हॉल। तो अब यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि भाई साहब सोफा ओफा होता है हॉल में तो, है ना। लेकिन अपने यहाँ पे देखो सोफा नहीं है, अपन ने सोफा कम बेड वाली सर्विस ली है। तो ये आप देख सकते हो जो L शेप में है, ये एक तरीके से बिस्तर ही है, और यहाँ पे जो दूसरा वाला गद्दा है इसमें तो 3-3 गद्दे अंदर में आपको, ये देखो बेड है। क्योंकि अपना यूज केस ऐसा रहता है कि यार भाई साहब दोस्त आते रहते सैटरडे संडे को, तो सबका बैठक होता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे भाई साहब हम लोग सारे लोग बैठते हैं, फिर गेम्स खेलते हैं, और फिर जैसे रात में इतने सारे दोस्त आते तो पंगत जैसे जैसे नहीं शादी ब्याह में होते हैं कि भाई बहन सारे एक साथ होते हैं, तो सारे लाइन से बिस्तर लग जाते हैं, और फिर सब सारे मिलके एकदम बढ़िया तरीके से यहीं पे सोते हैं। तो ये इसका यूज केस है अपना सोफा कम बेड, एकदम देख रहे हो आप महंगा एक्सपेंसिव। और इसके बाद यदि अपन देखे तो ये बाजू हट ना भाई, ये अपना भाई साहब सेमी फर्निश्ड फ्लैट था 2 BHK का, तो उसके साथ ही आया था। अब इधर लगना तो ऐसे TV चाहिए था, लेकिन अपने अभी बजट के बाहर है इसलिए अपन ने ये TV भी यहाँ नहीं लगाया, लेकिन भाई मतलब थोड़ा बहुत सजाने का चिन्नू मिन्नू को लगा दिया है। बाकी अपन यदि ये देखें तो ये हमारा पूजा घर है, तो आशीर्वाद ले लो, आप लोग भी आशीर्वाद ले लो। अब अपन थोड़ा और अंदर चलते हैं, तो अपन का ये जो सेक्शन आता है, फिर अपन इस सेक्शन में आते हैं डाइनिंग एरिया में। तो अब और डाइनिंग एरिया में वैसे तो ये इधर कुछ नहीं था, खाली था, तो हम लोग पहले सोचे थे कि TT टेबल ले लेंगे और अंदर TT खेलेंगे, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि वैसा भी डाइनिंग टेबल ही ले लेते हैं, क्योंकि यार इसके बहुत सारे यूज़ केसेज हैं। आप खुद देखो, पहला तो है भाई डाइनिंग टेबल में अपन खाना वाना खा पाते हैं, दूसरा यूज़ केस है कि भाई साहब आप देख सकते हो टॉवल वॉल सुखाने के लिए एक नंबर चीज़ होती है कि बढ़िया, देख रहे हो हर जगह टॉवल वॉल सूख पा रहे हैं, और तीसरा ये कि भाई साहब यदि आपको कहीं कोडिंग करना है और दूसरा जगह मतलब दूसरे बैकग्राउंड में करना है, एक ही जगह बोर हो गए हो, तो यहाँ पे बैठ के भी आप बढ़िया तरीके से फिर कोडिंग कर पाते हो। वैसे तो अपन ने एक पूरा बढ़िया सा स्टूडियो रूम टाइप का बना रखा है, जहाँ पे मतलब मैंने पूरा सेटअप कर रखा है, जिसमें बहुत मेहनत लगी थी, जो मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा कि अपन वीडियो भी कहाँ शूट करते हैं। मेरी आज ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली लाइफ ही वहीं निकलती है, तो वो अपन देखेंगे। अब यदि आपको भी बाबा यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आपको कोडिंग करना सीखना है, तो बाबा आपके लिए PW लेके आ गया है, PW स्किल, जहाँ पे आप अपने टेक्निकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट कोर्सेज। इन्होंने एक नई बैच डीकोड बैच चालू करी है, जहाँ पे आपको कंप्लीट C++ एंड DSA पढ़ाया जाएगा, और ये एक 6 मंथ का कॉम्प्रिहेंसिव हाइब्रिड लर्निंग होगा, और ये जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, और जो पढ़ाने वाले मेंटर्स हैं वो खुद भी यार बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल लिंक्डइन में काम कर चुके हैं। अब इसमें जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है वो ये है यार कि अपन लोग को डाउट्स आते जब अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको यार लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, तो आप अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यार करियर गाइडेंस दी जाएगी और आपकी रेज्यूमे बिल्डिंग भी कराई जाएगी। इसी के साथ साथ आपको यार PW लैब्स का भी एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आपको यार अनलिमिटेड प्रोसेसिंग पावर मिलेगी, तो अपन को कोडिंग करने के लिए अब वो हैवी लैपटॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप PW लैब से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कोर्स की प्राइस है 2750 की है, एंड ये बैच 13 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो आपको इन कोर्सेज पे एडिशनल 500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा यदि आप लोग मेरा कूपन कोड SD500 यूज़ करेंगे। तो आप लोग जाके बाबा फटाफट से ये कोर्सेज चेकआउट कर लेना, अब मैं आपको और शेयर कराता हूँ। तो ये अपना आपने डाइनिंग एरिया देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा किचन, ठीक है, एकदम वेल फर्निश्ड किचन टाइप का। तो ये है हमारा किचन वाला एरिया,
अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो पूरी एकदम सारे मसाले वसाले सब एकदम पूरी घर गृहस्थी जमानी पड़ती है बाबा। अब हॉस्टल में रहते तो मिस में आके खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई साहब चूल्हा वूल्हा लेना पड़ा, फिर ये सारा, फिर इसमें भी यदि आप देखोगे तो ये दाल घी ये वो जाके डी मार्ट लेना रहता है, तो मम्मी की बड़ी याद आती है इन सब चीज़ों में। ये आप सब देखो सारे में, और फिर अपन ने भाई साहब ये आप देख रहे हो ये खाने पीने का इंदौर के सामान हमारे जो हमें पसंद आते हैं खाने पीने में वो है, और ये फ्रिज हमने लिया था क्योंकि फ्रिज तो आया नहीं था सेमी फर्निश्ड में, तो हम लोगों ने फ्रिज ये खरीद ही लिया था, जब जाएंगे मैंगलोर से कहीं और तो भेज देंगे OLX पे, है ना। तो ये था अपना किचन। और एक और आपको बढ़िया चीज़ बताता हूँ, बैंगलोर में जैसे यूजुअली दूसरी सिटीज में तो अपना क्या होता है ना कि भाई साहब RO और ये वो लगवा लेते हैं, यहाँ पे तो भाई साहब ये भी मतलब अपन ने रेंट पे लिया है और ये ना पूरा वाईफाई से कनेक्टेड है, तो बोले तो यदि तुम लोग इसमें पैसे नहीं भरोगे इनका पर मंथ वाला तो ये सारा वाईफाई से रोक देते और टू टू आवाज़ अलग करते कि आपको भाई साहब उसी समय पैसा भरना पड़ जाए, तो हाईटेक चीज़ यहाँ पे चलती है, मतलब ये मेरे को नई चीज़ पता चली थी। तो अब अपन चलते हैं हमारे 2 BHK के बी वाले पार्ट में, बेडरूम वाले पार्ट में चलते हैं। तो ये रहा हमारा बेडरूम, और यहाँ पे यदि आप देखो तो मेरी बहन बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है काम करने की, और ये है भाई साहब अपना IKEA का अपन ने टेबल लिया था वाइट कलर का, ताकि भाई इसका वर्क स्टेशन एक पूरा बन जाए। और आप चेयर देख सकते हो अपनी जुगाड़ की चेयर है जो अपनी वो डाइनिंग टेबल वाली है, वही चेयर हम इधर खींच लेते हैं और बढ़िया यहाँ पे बैठते हैं। और फिर ये आप देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने बेड नहीं लिया था, हम लोगों ने सिर्फ मेट्रेस ले ली थी क्योंकि थोड़ा सा बजट का इशू था, और वैसे भी ये देख रहे हो आप कितनी हाइटेड है एकदम, क्योंकि ऑर्थोपेडिक ली थी, बहन को दिक्कत थी भाई अपन तो कॉटन वाले गद्दे में भी सो लेते हैं हॉस्टल में, तो ये वाला गद्दा लिया एकदम कि कमर अमर दुखे ना। और ये अपना बेसिकली रूम है, और बाकी ये तो वार्डरोब है, इसमें तो क्या ही दिखाऊं, कपड़े वपड़े ठूस रखे अपन ने। और इस तरफ यदि आप देखोगे तो ये वॉशरूम है अपने 2 BHK का, और अब मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी अपने रूम की। तो इस रूम में भाई साहब बालकनी अटैच्ड है, तो अपन यदि गेट खोलो तो यहाँ पर आती है बालकनी, जिसमें आप देखोगे यदि तो दिन में भाई साहब अपने कपड़े सूखते हैं और शाम को इतना प्यारा व्यू आता है ना सनसेट का, क्योंकि यहीं पे सनसेट होता है तो बहुत ही बढ़िया आता है। मैं आपको अभी अटैच करूँगा आगे, आप देखोगे मज़ा आ जाएगा एकदम। तो ये वाला काम काज है इधर। अब अपन चलते हैं हमारे मेन कमरे में, स्टूडियो वाले रूम में, जहाँ पे सारी वीडियो शूट होती है, जहाँ पे मैं कोडिंग वोडिंग सब करता हूँ। तो बाबा ये है हमारे 2 BHK का सेकेंड वाला रूम, और इसको अपन ने भाई साहब रूम जैसा नहीं बनाया, इसको अपन ने पूरा एकदम वर्क स्टेशन टाइप बना दिया है। और इसको बनाने में भाई साहब सबसे ज़्यादा दिमाग लगा था और सबसे ज़्यादा दिल लगा था कि भाई साहब कैसे बनाना है वापस से स्टूडियो। आपने शायद मेरी वो इंदौर वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अपने घर पे स्टूडियो बनाया था एक, तो वापस से अपन को अब बैंगलोर आए थे तो सेटअप करना था, तो अपन ने इस तरीके से पूरा सेटअप करा है। अब यदि आप पहले देखोगे तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अपन ने यार ये वाइट टेबल ली है, वाइट टेबल अपन ने IKEA से ऑर्डर करी, क्योंकि ये वाली मतलब एकदम मेरे को लुक चाहिए था कि वाइट वाइट सा ही लुक हो एकदम बढ़िया एकदम डिसेंट मेरे को बहुत लगता है, तो मैंने रूम का पेंट भी वाइट कलर का करवाया था। और फिर उसके बाद यदि आप देखो तो पहले तो ये है अपना अर्गोनॉमिक चेयर, क्योंकि भाई साहब काम वाम करना रहता है, एडिट वेडिट भी करना रहता है, तो इसके लिए भाई साहब अपना कमर वमर ना खराब हो जाए, तो इसलिए अपन ने ये चेयर ली जिसमें आप थोड़ा सा बढ़िया रिलैक्स भी कर सकते हो। उसके बाद यदि अपन देखें तो ये है भाई साहब हमारा 29 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। अब ये ना है मेरे को कॉलेज के टाइम से बहुत ज़्यादा मन था कि यार मेरे को ऐसा बड़ा सा एकदम मॉनिटर चाहिए, शौक शौक की बात है, ताकि आपको भी ऐसा लगे नहीं भाई साहब हाँ कोडिंग वोडिंग करते हो बहुत हाईटेक टाइप का बनता होगा, जेन्युइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो उस लिए अपन ने ये लिया है। इसमें एडिटिंग भी वैसे मज़े आते करने में। उसके बाद यदि आप देखो तो ये मेरा पर्सनल जो मैकबुक लैपटॉप है वो है, और इसके नीचे यदि आप देखो तो मैंने ना एक लैपटॉप स्टैंड लिया है, क्योंकि मतलब आई लेवल ताकि सही रहे, क्योंकि नहीं तो ऐसे झुक के करना रहता था तो बैग दुखती थी, तो अब ये लैपटॉप स्टैंड ले लिया है तो एकदम सामने सामने दिखता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके अलावा यदि आप देखो तो ये है भाई साहब अपना मैकेनिकल कीबोर्ड। अब मैकेनिकल कीबोर्ड तो भाई साहब है कि भाई मोहल्ले को पता चले कि अपन कोडिंग कर रहे हैं, कट 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 कट, और फील भी बहुत अच्छी आती है इससे, तो इसीलिए लिया है। और ये है अपना भाई साहब लॉजिटेक का माउस, सिंपल सा सस्ता सुंदर टिकाऊ। और ये जो ब्रश है भाई साहब वो अपना है भाई साहब साफ वाफ करने के लिए, देख रहे हो लैपटॉप वैपटॉप साफ वाफ करने के लिए, इसके बहुत सारे मल्टीपल यूज केस है, इससे आप ईयरफोन भी साफ कर सकते हो, तो ये एक बहुत काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को, सस्ती सुंदर टिकाऊ। और बाकी के लिए आप देखो सेटअप में तो अपना ये भाई साहब मतलब शोबाजी की बात है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और मेन बात यह है कि वायर चुभ जाते हैं अपने इससे, तो इसीलिए ये अपने ग्रीन प्लांट लिया है। ये मेरा टू डू लिस्ट वाला है कि भाई साहब दिन में क्या काम करना है वो सब है। और इसके बाद यदि अपन देखें तो ये है अपना भाई साहब IKEA से ही अपन ने ड्रॉअर ऑर्डर करा था, तो ये ड्रॉअर है जिसमें आप सारे पेन से वो स्टेशनरी वाले सामान सारी फालतू चीज़ें इधर स्टोर कर लेते हो।
अब ये वाला बैकग्राउंड के साथ में अपना आता है ये बुक शेल्फ। अब ये बुक शेल्फ भी अपन ने भाई साहब आईकिया से ही ऑर्डर करी थी और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी किताब है, इसमें से कुछ मैंने पढ़ी है, बहुत सारी अभी पढ़नी बची भी है। तो ये अपना पूरा एक बैकग्राउंड बढ़िया सेटअप दिखाता है। और अब अपन आगे चले तो आप देखोगे ये दूसरी टेबल। अब ये जो टेबल है ये वो टेबल है यार जिसमें भाई साहब अपन लोग यार शूटिंग के लिए काम करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि अपन इस टेबल को इधर खसकाते हैं थोड़ा और यहाँ पे बैठ के फिर आईपैड से जो भी मेरी स्क्रिप्ट रहती है वो देख के मैं आपको नरेट करता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाजू में ही आप देखोगे तो ये आता है हमारा भाई साहब ट्राइपॉड स्टैंड जिसमें कैमरा अपन लटका के घूमते हैं और शूट करते हैं। और ये देखो इस ट्राइपॉड स्टैंड के चक्कर में मेरा ये फोन भी टूट गया है क्योंकि ये एक बार गिर गया था तो सीधा फोन का सत्यानाशी हो गया था। और उसके बाजू में है ये हमारी स्टूडियो लाइट छतरी जिससे भाई साहब लाइट वाइट ताकि इधर से भी लाइट आए तो लेफ्ट साइड से भी अच्छी लाइट आए उस पर्पज के लिए होता है। और इसके साइड में यदि आप देखोगे तो ये है भाई साहब आपको एक्यूप्रेशर टाइप की चीज़ दिख रही होगी लेकिन ये है साउंड फोम ताकि जो हमारी आवाज़ें हैं वो थोड़ी कम गूंजे और बढ़िया अच्छा साउंड भी आए क्योंकि यहीं से हम लोग शूट करते हैं। तो ये इसका यूज़ केस है। बाकी तो ये वार्डरोब है, इसमें भाई साहब सारे अपने कपड़े हैं तो इसको आप खोल के देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मेरे कपड़े हैं क्योंकि सब बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये है बाबा अपना फ्लैट टूर और आई होप आपको यार भाई साहब ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा अपन ने घुमा घुमा के आपको भ्रमण करा ही दिया है घर का। और यदि आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको अगली वीडियोस किस पे चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बताओ तो फिर अपन उस पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से। बाय बाय।